नीता मैम, टुडे लर्न प्रिपु जी सर, टुडे लर्न प्रिपु जी सर। प्रिपोजिशन क्या है? प्रिपोजिशन आज हम आपको समझाएंगे प्रिपोजिशन क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसको कहाँ पर यूज करते हैं। ओके, डिफिनीशन, इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन क्या है? आ प्रिपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद एन अदर नाउन और प्रोनाउन। प्रिपोजिशन संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, नाउन्स या प्रोनाउन्स के पहले यूज होते हैं, ठीक है। इनका नाउन्स या प्रोनाउन का संबंध, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन विद एन अदर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताते हैं। जो ये प्रीपोजिशंस होते हैं, ये नाउन्स और प्रोनाउन का संबंध बताते हैं। ये पहले ही नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होते हैं। ओके बेटा, प्रीपोजिशन इतना समझ में आ गया? प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन्स के पहले ये प्रयोग होते हैं। ओके, और ये नाउन्स और प्रोनाउन्स के संबंध बताते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। द पेन इज लेइंग ऑन द टेबल, द पेन इज लेइंग ऑन द टेबल। अब इसमें क्या है प्रीपोजिशंस? क्या है बेटा? ऑन, क्या है बेटा? ऑन। अभी आगे नेक्स्ट आगे आपको बताए जाएंगे प्रीपोजिशन है, इसको आप एक बार दो बार पढ़ लोगे आसानी से आपको आ जाएगा। The pen is laying on the table. I am writing with a pen. इसमें क्या है? With means क्या होता है बेटा? With means क्या होता है? पता है आपको? With means होता है साथ। क्या होता है? साथ। ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। और on means क्या होता है बेटा? पर। ये क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या है, इसकी डिफिनीशन आपको पता हो गई, ठीक है, इसको हमने एग्जांपल से समझा दिया है। अब थोड़े से प्रीपोजिशन आपको बता रहे हैं। एट मींस ये आपका क्या है? ये क्या है? एट आपका प्रीपोजिशन है। एट मीन्स होता है पर। ये नाउन्स या प्रोनाउन्स के पहले आप लगा दोगे तो दोनों का संबंध पता चल जाएगा, ठीक है। नाउन्स या प्रोनाउन्स के पहले आप लगा दोगे तो दोनों का संबंध पता चल जाएगा। ओके बेटा, आफ्टर, आफ्टर मीन्स क्या होता है? पीछे, जहाँ गति दी जा रही, पीछे जहाँ पर गति दी जा रही हो, आफ्टर सेकेंड नंबर, ठीक है। ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है आप नाउन्स या प्रोनाउन्स के संबंध का बोध कराता है, ठीक है। ये हमेशा नाउन्स या प्रोनाउन्स के पहले लगता है। मे, बिटवीन मीन्स क्या होता है? मे, बिटवीन मीन्स क्या होता है? मे। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम मीन्स से, ये अलग होने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर नाउन्स या प्रोनाउन्स का संबंध तो होता है लेकिन उनके अलगाव के लिए फ्रॉम से, फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से का प्रयोग होता है। इन मीन्स मे, इन मीन्स मे, इन मीन्स मे, दोनों के संबंध का बोध कराता है, ठीक है। इन मीन्स होता है मे। ऑन मीन्स पर, ऑन मीन्स पर, ये देखिए पर, ऑन द टेबल, ठीक है। द पेन इज लेइंग ऑन द टेबल, ओके, पहले प्रयोग होता है। नाउन क्या? ओवर, ओवर मीन्स होता है ऊपर, ओवर मीन्स होता है क्या? ऊपर, बिना स्पर्श किए हुए ये नाउन्स या प्रोनाउन्स के पहले प्रयोग होता है या दोनों का संबंध बताता है, ठीक। ऐसे सेंटेंसेस में हम इनका प्रयोग करते हैं, एट, आफ्टर, बिटवीन, फ्रॉम, इन, ऑन, ओवर, ठीक है। ये आपके क्या है? प्रीपोजिशंस है, ठीक है। इसको आप रट डालो, एट, आफ्टर, बिटवीन, फ्रॉम, इन, ऑन, ओवर। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी, अभी आप ट्रांसलेट जब सीखते हो तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए क्या प्रयोग होता है? प्रीपोजिशन। आप कहाँ पर विथ लगाओगे, कहाँ
अपॉन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है बेटा? अपॉन आपका प्रीपोजिशन है। ये कहाँ पर? पर। ठीक है, जब हिंदी में पर शब्द आया कहाँ पर जाना है, हमें कहाँ पर जाना है? अपॉन। ठीक है, दूसरे स्थान से। ठीक है, यहाँ नाउन या प्रोनाउंस पर संपर्क नाउंस के पहले या प्रोनाउंस के बाद में प्रयोग होता है। विथ मीन्स होता है साथ। आई एम राइटिंग विथ अ पेन। ठीक है, विथ अ पेन, पेन के साथ। ठीक है, मैं राइटिंग लिख रहा हूँ पेन के साथ, है ना? अपॉन विथ साथ। ओके बेटा। अमंग, अमंग मीन्स होता है से, द्वारा। अमंग आपका ये क्या है? प्रीपोजिशन है। विथ भी आपका प्रीपोजिशन है। ओके, बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है क्या बेटा? पीछे। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, जहाँ गति ना दी जा रही हो वहाँ पर हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे, बिहाइंड। ठीक है, ये भी आपका है प्रीपोजिशन है। फॉर, फॉर मीन्स होता है के लिए। कोई भी ट्रांसलेट जब आपके लिए के लिए आ जाएगा तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे? फॉर का प्रयोग करोगे, फॉर। ठीक है, मैं अंदर की ओर गत करे कोई सेंटेंस में, जब अंदर नाउन या प्रोनाउंस, ठीक है, तो वहाँ पर हम इन टू का प्रयोग करेंगे। इन टू, इन मीन्स होता है मे, इन, इन आपका ये देखिए प्रीपोजिशन है इन टू। ठीक है, पहले से अंदर, अंदर की ओर। ठीक है, इन टू का प्रयोग करेंगे। ओके, ऑफ का प्रयोग का की के लिए होता है। आप का प्रयोग कहाँ पर होता है बेटा? का की के लिए होता है। आउट मीन्स होता है बाहर। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। ये भी आउट भी एक क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। टू, टू क्या है? प्रीपोजिशन है। अंडर, अंडर नीचे, अंडर भी आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, नियर, नियर मीन्स पास या निकट, पास भी बोल सकते हो या निकट। ये भी सेंटेंस नाउंस या प्रोनाउंस के बीच में प्रयोग किया जाता है संबंध बताने के लिए। ठीक है, नियर ये आपके प्रीपोजिशन है। इनको आप रख लीजिए, एट, आफ्टर, बिटवीन, फ्रॉम, इन, ऑन, और, अपॉन, विथ, अमंग, बिहाइंड, फॉर, इनटू, ऑफ, आउट, टू, अंडर, नियर। ये जब आप ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, स्टोरी नुमा, जब स्टोरी नुमा जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपने इन प्रीपोजिशनों का बहुत अधिक प्रयोग होगा। ठीक है, जब आप इनका यूजेस सीख लोगे तो आसानी से आप कोई भी ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके, इतना समझ में आ गया बेटा? प्रीपोजिशंस की जब वर्ड विच इज यूज बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउंस टू से इट्स, सो टू इट्स रिलेशन विद एन अदर नाउन आर प्रोनाउंस। ठीक है, जहाँ नाउंस या ये नाउंस या प्रोनाउंस के पहले प्रयोग होते